तो यहाँ पर सुप्रा सुप्रा में मैंने ड्रिफ्ट किट भी नखाया है और रेसिंग किट भी नखाया है। तो अब टेस्ट करते हैं इसका, ड्रिफ्ट किट और रेसिंग। तो भाई जी, इसकी ड्रिफ्ट तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही अच्छी वाली है। ड्रिफ्ट बहुत अच्छी मार लेती है गाड़ी। तो आप देख लो गाइस, सुप्रा कैसे ड्रिफ्ट मारती है, बहुत ही अच्छी। इसके जैसी तो एक भी गाड़ी नहीं है आज तक मैंने देखी। पर अब मुझे क्या, ड्रिफ्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ड्रिफ्ट के बिना ही खेलता हूँ। तो मुझे इस गाड़ी की ड्रिफ्ट ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं लग रही, पर मुझे अच्छी है। ये कार कौन सी है? तो यहाँ पर उतरते हैं और पूछते हैं उसको। चलो गाइस, ये तो इंडियन कार लग रही है, ये तो ओडी है, तो इसे तो लेनी ही पड़ेगी। सिर्फ 9,000, ये कैसे? चलो ले लेते हैं, उससे हमें क्या। तो ये गाड़ी ले ली है, इसे हम गैराज में भेज देते हैं। ना नहीं, रहने देते, पहले और भी देख लेते हैं। तो ये तो सस्ती वाली दिख रही है, ये तो कितने में देगा भाई? तो ये 70, तो ये ले लेते हैं, इसे टो करवा देते हैं और इसे भी करवा देते हैं टो, क्योंकि हम ना इसे नहीं, इसे करवा देते हैं। वैसे भी ये थोड़ी खासी डैमेज होगी तो रिपेयर हो जाएगी। हम इसे लेकर चलेंगे क्योंकि इसका भी टेस्ट ड्राइव तो लेना ही पड़ेगा। ये तो इसके सस्पेंसर बहुत खतरनाक है गाइस, देखो आप कैसे कूद रही है गाड़ी, इतनी ऐसे। ये तो डैमेज हो गया बम्पर, इसका बम्पर तो चला गया, अब नया डालना पड़ेगा। ये ऐसे क्यों चलती है गाड़ी? वैसे चलने में भी ये तो अच्छी है, पर बहुत ही सस्ती है, महंगी थोड़ी भी महंगी नहीं है। ऐसी गाड़ी होती तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पर पहले तो गैराज में चलते हैं, वो दो गाड़ी रिपेयर हो गई होगी अब तक तो। तो गाइस, ये तो रिपेयर हो गई है, पहले तो इसे हम गैराज, तो ये तो बोल देते हो ऐसा, पर हमारे शोरूम पे रख देते हैं, बढ़िया बढ़िया लगेगी।